महिलाओं में होने वाली एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं के गर्भाशय में होती है, और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि जिस महिला को हो जाए उसे मां बनने का सुख नहीं मिल पाता। इस बीमारी में गर्भाशय के अंदर एक परत बनती है और बढ़ते हुए ये गर्भाशय के बाहर अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब्स व अन्य प्रजनन अंगों तक फैल जाती है। इस परत के बढ़ने से वजाइना के मुख पर अतिरिक्त कोशिकाओं का विकास हो जाता है और अंडाशय की क्षमता पर असर पड़ता है, जो इनफर्टिलिटी का कारण बनता है, क्योंकि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब्स तक नहीं पहुंच पाते, जिससे महिलाओं को मां बनने में दिक्कत होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 17 करोड़ से ज्यादा औरतें इस बीमारी से प्रभावित हैं। इनके लक्षणों को पहचान कर महिलाएं अपना तुरंत इलाज यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकती हैं समय रहते ही। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके प्रमुख लक्षण क्या है। प्रमुख लक्षणों में मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द होना, यहाँ तक कि कई बार दर्द पूरे महीने तक बने रहना समस्या का कारण है। पीठ में दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, जांघों में तेज दर्द होना, डायरिया, कब्ज रहना, यूरिन में खून आना, शरीर के निचले हिस्से में जकड़न, मासिक धर्म से पहले मांसपेशियों में खिंचाव, मासिक धर्म में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, इनके मुख्य कारणों में शामिल है। तो आप भी इन कारणों को पहचान लें और तुरंत समय रहते ही इलाज करवाएं। क्यूरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट।